करते हैं। मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे पर, यहीं से इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम एक और रैंडम ब्लॉग के साथ यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम कहीं घूमने जा रहे, बट दोस्त मिले वो जा रहे थे और हमारा श्रीनगर में एक डेढ़ घंटे का काम था जहाँ पर हमें वेट करना पड़ता, तो उसी का हम यहाँ पर फ़ायदा उठा के हम जा रहे हैं अभी माँ धारी देवी के दर्शन करने। काफ़ी अच्छा शुभ दिन है आज और अभी हम जा रहे हैं धारी देवी, तो दिखाते हैं आपको कैसे कैसे यहाँ पर रहता है, तो बने रहिए, आपको आने वाला पूरा मज़ा। सूरी सूरी जो हमारे साथ जा रहे हैं सुरेश भाई, जो कि काफ़ी एक्साइटेड, आज इनकी छुट्टी थी तो इन्होंने कहा आज जाएंगे हम धारी देवी के दर्शन करने। इनकी मन्नत मांग रखी थी कि जाना था आज धारी देवी, और ये हमारे विकास भाई जो कि यहाँ पर सूरी ने मन्नत मांग रखी थी मेरे को सुंदर कन्या मिलेगी तो मैं धारी देवी जाऊँगा, आदमी को सुंदर कन्या मिल चुकी है इसी वजह से शायद आज इनका पूरा लेके जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर पार्टी हो गया आप लोगों के लिए, ग्रैंड पार्टी। ये निकल चुके हैं आगे और हम भी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर, टीवीएस का जो यहाँ पर सर्विस सेंटर है, हमें स्कूटी देनी है ये सर्विसिंग के लिए। यार एक गाड़ी खुद सर्विस देता हूं। तो गाइस हमने जो हमारी स्कूटी है वो दे दी है यहाँ पर सर्विसिंग के लिए, अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लगता है। ये तो बोल रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, और यहाँ से जो धारी देवी का रास्ता है वो है मात्र 10 से 12 किलोमीटर, जो हम बहुत जल्दी अभी जाएंगे वहाँ पर। तब तक हम आते हैं माँ धारी देवी के दर्शन करके, तो दिखाते हैं आपको और करवाते हैं आज माँ धारी देवी के दर्शन। अभी करवाते हैं यहाँ पर फ्यूल अप और फिर निकलते हैं सीधे धारी देवी के लिए। तो गाइज अभी हम श्रीनगर हमने क्रॉस कर लिया है और अभी हम बढ़ रहे हैं धारी देवी की तरफ। आप लोग देख सकते हैं आजकल का जो कांवड़ यात्रा है वो चल रही है, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी सेफ यहाँ पर चलना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से मात्र 10 मिनट का और रास्ता रह चुका है, 10 किलोमीटर के लगभग रह चुका है श्रीनगर क्रॉस करने के बाद। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है गाइस कि जैसे कि लोग यहाँ आने के लिए बहुत दूर से प्रिपरेशन करते हैं, और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे घर के आसपास ही इतने यहाँ पर अच्छे अच्छे टेम्पल्स और फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे माँ चंद्रवती हो गया, धारी देवी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमें अभी विजिट करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि हर जगह विजिट करूँगा और आपको भी करवाऊँगा गाइस। तो गाइज अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पर चौरास की जो परियोजना है ये डैम आप देख सकते हैं, और मौसम भी धीरे धीरे यहाँ पर बेईमान होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ना लगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर गाइज ये हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन अब इस पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम चल रहा है, जिससे ये समस्या जो यहाँ पर टूटने वाली है ये सॉल्व हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और उसके बाद एकदम मज़े। तो अब चलते हैं आगे। अबे क्यों एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुका है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कांवड़ मेला जो आजकल चल रहा है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है शायद अभी इसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले हैं, और इसीलिए गाइज मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप इस समय राइड कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो बड़ा सेफ होके चलिए। ये आप देख सकते हैं
यहाँ ही पर जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। गनीमत है कि इसकी जान नहीं गई है इसमें, ये भी जिंदा है और इसको ले जाया जा रहा है अभी हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस देखा आपने कि यहाँ पर जो अभी जस्ट हम आ रहे थे और यहाँ पर एक एक्सीडेंट, मैं यही आप लोगों को बता रहा था कि जो एक कावड़ मिला है इसमें थोड़ा सेफ होके चलिए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं हेलमेट ज़रूर पहनिए। किस तरह से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ यही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था कि देखिए जब भी आप आते हैं तो इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। ठीक है आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, लेकिन आप अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं, आप उत्तराखंड से बाहर के हों या उत्तराखंड के हों, लेकिन आप जब भी पहाड़ों में आते हैं, क्योंकि ये प्लेन्स नहीं है, यहाँ पर बहुत संभल के चलना होता है, तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जब भी आप पहाड़ों में आए अपने हेलमेट पहन के रहें और अच्छे से यहाँ पर ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिस्क है और इस चीज़ का अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे। ये देखिए गाइस, ये है माँ धारी देवी का मंदिर जो एकदम नदी के ऊपर है। अभी हम यहाँ जाएंगे तो मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में। ये चेक करिए, मौसम एकदम बदल चुका है और गाइस यहाँ पर हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क, यहाँ से लेते हैं प्रसाद और उसके बाद चलते हैं। ये है धारी देवी का जो एंट्रेंस है गाइस, ले लिया हमने यहाँ पर प्रसाद। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं माँ धारी देवी का जो यहाँ पर है उसका एंट्रेंस गेट, आप देख सकते हैं। और अब हमने जो है यहाँ पर प्रसाद ले लिया है, ये हमारे साथ सूरी भाई, इनकी बड़ी इच्छा थी यहाँ धारी देवी आने की और आज वो इच्छा ही नहीं, ये हमारी भी बहुत दिल तमन्ना थी और हम आ चुके हैं। अब जाते हैं माँ के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय हो माँ धारी। ये देखे गाइस किस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है किस, तो फाइनली अभी जो हम पहुँचे हैं यहाँ पर धारी देवी का जो मंदिर है उसके ठीक जो ऊपर सड़क है वहाँ पर, और यहाँ से देखिए व्यू आप चेक कीजिए एकदम नदी के ऊपर। ये जो नदी है अलकनंदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है यहाँ पर, ये रिस्ट्रक्शन इसका हो रखा है। पहले जो ये मंदिर था ये नदी, जब तक यहाँ पर जो डैम था ये नहीं था तब तक नीचे था, और अब ये नदी के ऊपर। और ये चेक कीजिए आप व्यू यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं जो धारी देवी का मंदिर है वहाँ नीचे, यहाँ से काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं एकदम सीमेंटेड रास्ता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉगर्स, कॉमन सी जगह बन चुकी है हम लोगों के लिए क्योंकि हम यहीं के लोकल हैं, लेकिन जो बाहर से देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी नई और एक्साइटेड जगह है। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि लोग काफ़ी आते हैं इस टाइम पर भी। क्लोज ऑफ व्यू धारी देवी मंदिर। गाइस अभी हम जा रहे हैं माँ के दर्शन करने, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो रैंप है ये मंदिर तक जाता है नदी के ऊपर, और काफी अच्छा गाइस अभी जो परिक्रमा है और जो माँ के दर्शन है वो हो चुके हैं। ये गाइस हमारी दूसरी परिक्रमा अब ये हमारी लास्ट परिक्रमा। जय माता दी। तो गाइस जो धारी देवी का मंदिर है इसकी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ यमुनोत्री उन सब की रक्षा की देवी इसको कहा जाता है, और यहीं से लोगों की जो यात्रा है वो शुरू होती है। सबसे पहले यहीं से लोग जो यात्रा है वो शुरू करते हैं। तो हमारे तो ये किस्मत की बात है कि हम देवभूमि में इतनी अच्छी जगह पर रहते हैं कि हमें यहाँ पर आने का
इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल जब मर्जी तब हम यहाँ पर आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है माले, आप भी कभी यहाँ आएँ तो धारी देवी ज़रूर विज़िट करें गाइस, बहुत मन को सुकून और शांति यहाँ मिलता है। तो गाइस फाइनली हमने जो यहाँ पर माँ धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं फिर से वापस श्रीनगर, क्योंकि हमने जो अपनी गाड़ी दी यहाँ पर सर्विसिंग के लिए लगभग उसके एक घंटा हो चुका है और एक घंटा भी और इतना टाइम हमें वापस जाने में लग जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे काम आज हो रहे हैं, माँ धारी देवी के दर्शन हो गए। आप लोगों को पता होगा कि 2013 में 16 जून और 17 जून का जो आपने सुना होगा कि त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, और माना जाता है कि जो ये मंदिर है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पहले जो ये मंदिर था ये नदी, जब तक यहाँ पर डैम नहीं बना हुआ था तो ये नदी के मतलब किनारे पे था। तो जब इसको रिकंस्ट्रक्शन हुआ इसका और फिर से ये नया दोबारा से इस मंदिर को बनाया गया, तो जो मेन जो मूर्ति थी उसको उठा के ऊपर शिफ्ट किया था उसी दिन। तो कहा जाता है कि जब जिस दिन उसको ये शिफ्ट किया था तो उस दिन इतनी बड़ी प्रलय आई थी, और ये भी एक रीज़न कहा जाता है उस त्रासदी का कि यहाँ से धारी देवी को ऊपर उठाया गया था, क्योंकि एक नए मंदिर में उस दिन उसको विस्थापित किया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि उस दिन धारी देवी माँ नाराज़ हो गई थी कि मुझे अपनी जगह से क्यों उठाया, तो उस वजह से इतनी त्रासदी हुई थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी महत्ता है इस मंदिर की, कितनी जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए ये एक एग्जांपल और सबक भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी काफ़ी प्रसन्न माँ धारी देवी और सभी भक्त भी, क्योंकि पहले से भी बहुत सुंदर इस समय बन चुका है। गाइस अभी हम दर्शन करके आए और ये देखिए जयगोरनाथ भैरव, यहाँ पे आना भी मस्ट है। जब भी आप माँ धारी के दर्शन करते हैं तो इस मंदिर में भी अवश्य आएँ, करते हैं भैरवनाथ। जय हो भैरव बाबा। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो धारी देवी मंदिर ही आप लोगों के लिए पूरा नहीं है, उसके बाद आपको आते हुए इस मंदिर के भी दर्शन करने ज़रूरी हैं। ये काफ़ी कम लोगों को पता है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रहा अपना वाहन और अब हम जाएंगे फिर से वापस घर, तो निकलते हैं। अभी गाइस फाइनली हम यहाँ धारी देवी से निकल चुके हैं और अब हम सीधे निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि दर्शन हमने कर लिए हैं। और अभी हमने भले ही थोड़ा रास्ता है वो रूट है वो दूसरा ले रहे हैं, शॉर्टकट का रूट नहीं बल्कि एक एडवेंचर टाइप का अच्छा रास्ता है। तो अगर कोई अच्छे व्यू मिलते हैं तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। चेंज कर लिया हमने, जाना था हाईवे की तरफ से लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर, तो हमने चौरास होके जाएंगे इस पुल से। ये रहा धारी देवी का मंदिर और हम जा रहे हैं इस रास्ते से। और गाइस अभी जो मैं आप लोगों को एक चेक कराने वाला हूँ, एक दृश्य आप लोग देख के एकदम मन आपका काफी अच्छा खुश हो जाएगा, तो देखिए ये देखिए गाइस, ये जो श्रीनगर चौरास की डैम परियोजना है उसका 0 पॉइंट, और यहाँ से ये भी पानी छोड़ तो गाइस इस ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम निकल रहे हैं आप सीधे घर के लिए और अब हम जाएंगे सीधे घर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तेरे जइए पर तू नहीं आयो, तेरे मगर फिरा वे तायो तेरे मगर फिरा।